नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट कैसे चेक कर सकते हैं। एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी की तमाम भर्तियों के एग्ज़ाम डेट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों से बच सकें और आप खुद देख सकें कि एसएससी जीडी का पेपर कब है और अन्य जो एसएससी का आपने फॉर्म अप्लाई किया है उन भर्तियों का भी पेपर कब होने वाला है और उनका रिजल्ट भी कब आने वाला है। तो सबसे पहले आप गूगल में, मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं एसएससी, सिर्फ एसएससी टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो उसके बाद आपको ऊपरी ऊपर होम स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन दिखाई देगा और इसमें लिखा होगा, नीचे साइट होगी ssc.nic.in, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज सामने खुल कर आएगा। ये दोस्तों एसएससी की होम वेबसाइट है और इसी में एसएससी की तमाम नोटिफिकेशन जारी की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि नीचे आप इधर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन कैलेंडर और ये एसएससी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और इसमें एसएससी के तमाम भर्तियों के एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है, जिनकी जारी हो गई है उनकी लिखी हुई है, जिनकी जारी नहीं हुई है उनके बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की तमाम भर्तियों के जो कैलेंडर है वो इस यहाँ पर जारी किया गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जो पेज दिखाई देगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एसएससी की सारी भर्तियों का कैलेंडर दिया हुआ है। इसमें देखिए ये फेज सी भी जो अभी हाल ही में आई थी पोस्ट, उसके बारे में जो फॉर्म अप्लाई डेट और एग्ज़ाम जो पहले आ चुकी है, इसका पेपर भी हो चुका है और इसके बारे में पहले दिया हुआ। नीचे आप देख सकते हैं जो भी तमाम भर्तियाँ, ये 2018-21-9 आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जिनका ये मल्टीटास्किंग के जो भर्ती आई थी 2018 में, इसके पेपर फर्स्ट के बारे में लिखा है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक अनाउंसड नहीं हुई है। और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फॉर जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 की आई थी भर्ती, उसके भी लिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और जिसका होने वाला है। ये आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी कम्युनिकेट एग्ज़ाम प्लस टू का एग्ज़ाम है 2017 3rd, इसका भी दिसंबर 2018 या जनवरी 2019 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी में दो जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है उसके बारे में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं इस समय तमाम भर्तियों जिनका आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है और एसएससी जो जीडी की भर्ती आई है वो यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर एसएससी जीडी 2018। तो इसमें आप देखें कि इसमें टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है सीबी के द्वारा, तो जब अनाउंसड हो जाएगी तो यहाँ पर वो डेट भी लिख जाएगी या महीना भी अनाउंसड होगा तो यहाँ पर वो जारी कर देंगे। तो आप इस तरह से आप खुद चेक कर सकते हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों से बच सकें। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा था सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी, तो मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि सोशल मीडिया पर किस तरह से भ्रामक जानकारियाँ फैल रही है और वो आपको, चलिए हम इसके लिए YouTube ऑन करते हैं। अगर हम YouTube खोलें तो YouTube में आप देखेंगे कि ये एसएससी जीडी एडमिट कार्ड मैंने ऊपर सर्च किया, जैसे एसएससी जीडी एडमिट कार्ड अगर हम सर्च करेंगे लिख कर टाइप कर, तो आप देखेंगे कि आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें आप ऊपरी ऊपर देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोस्तों ऊपरी ऊपर जो लिखा हुआ है एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2018 और डाउनलोड नाउ, यानी इसमें दिखाया गया है। आप वीडियो को देखेंगे तो भी आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक एसएससी विभाग द्वारा जारी नहीं हुआ है, फिर भी सोशल मीडिया पर जो फालतू के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं और उसमें दिखाया जाता है, फेक वीडियो बनाए जाते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा कि ये देखिए बिंदास ट्रिक पॉइंट के द्वारा जारी किया गया वीडियो है। इसमें आपको इसमें दो पॉइंट
5 लाख लोग इस वीडियो को देखकर मूर्ख बन चुके हैं और उनको भ्रामक जानकारियों में फंस चुके हैं। तो इस वीडियो को अगर हम ऑन करेंगे तो इस वीडियो के अंत में आपको एडमिट कार्ड हेलो डाउनलोड करके फ्रेंड्स, दिखाया इंडस्ट्री जाएगा ग्राहक आप लोग जो को कि बहुत बहुत बिल्कुल फेक स्वागत करता हूँ होगा। हमारे YouTube चैनल तो इंडस्ट्री ये सुनिए स्पॉटिफाई फ्रेंड्स, दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत इसमें बड़ा खुशखबरी ये है कि SSC GD का एडमिट कार्ड आ चुका है और वो भी देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है SSC GD का एडमिट कार्ड आ चुका है, जबकि SSC GD का अभी तक एग्जाम की डेट या महीना भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो आपको मैंने एक सरल तरीका बताया ताकि आप इन सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी से बचें और सीधे SSC विभाग की होम वेबसाइट में जाकर आप सीधा चेक कर सकते हैं, उसका कैलेंडर चेक कर सकते हैं। SSC का जिस भी विभाग में आपने, SSC के जिस भी पोस्ट पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप उसका एग्ज़ाम डेट और उसका रिजल्ट डेट या अन्य कोई भी जानकारी आप उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो, ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये चल रहा है, इसमें दोस्तों जो एडमिट कार्ड जारी होने की बात कही गई है, ये बिल्कुल फेक वीडियो बनाया गया है ऐसे वीडियो को। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इतना फेक वीडियो है, फिर भी लोग इसे लाइक, देखिए 4.9 हज़ार लाइक इस वीडियो को कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के भ्रामक जानकारियों में 2,67,000 लोग इस भ्रामक जानकारी में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के में आप देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाया जाएगा आपको, जबकि SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये देखिए SSC GD जो कि MS Word में बनाया गया देखने एडमिट को कार्ड है। मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड, लाल डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर का डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इस रेड कलर का डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर ये देखिए दोस्तों, ऐसे बनाते हैं के मूर्ख। प्रिंट आउट कर ले। ऐसे वीडियो को YouTube को हटाना चाहिए और ऐसे वीडियो के खिलाफ आपको जो एप्लीकेशन, ये जहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर इसमें डाउनलोड की ये लिंक भी दी गई है, ये डाउनलोड की जो लिंक दी गई है, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो होती है विज्ञापन वाले लिंक, वहाँ पर क्लिक होगा और आपको उसे शेयर करने के लिए कहेंगे। आप शेयर करेंगे तो वह उसमें आगे से आगे शेयर होगा और ये इस विज्ञापन द्वारा पैसे बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरह के फेक वीडियो बनाते हैं। तो आप इस प्रकार के फेक वीडियो के से बचें, इसलिए मैंने आपको एक सरल तरीका बताया कि आप सीधे होम वेबसाइट में जाकर SSC कैलेंडर देखें। इसके अलावा यहाँ पर आपको तमाम लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो दिखाई देगी। तो दोस्तों, इसमें अगर अगर जो एडमिट कार्ड रिजल्ट या अन्य कोई वैसे नोटिफिकेशन आएगी तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी एडमिट कार्ड अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं वो इसमें दिखाई दे देंगे। आंसर की का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, रिजल्ट का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप उन भ्रामक जानकारी में क्यों फंसे जो फेक वीडियो बनाकर आपको भ्रमित करना चाहते हैं और नीचे विज्ञापन वाली एड दे देते हैं ताकि आप उन पर क्लिक करें, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करने कराते हैं वो आपसे। तो आपको मैंने बता दिया कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। बाकी SSC विभाग द्वारा ये आप देख सकते हैं कि कैलेंडर में जारी कर देंगे और आपको मैंने बता दिया, ये नीचे कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर डेट अनाउंसड होगी तो जारी कर देंगे। और वैसे मैं जब इसकी डेट अनाउंसड हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप देख लेना कि कब अनाउंसड होगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट, सही सही अपडेट आपको मिल सके। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इसमें ये एक न्यूज़ निकाली गई है अमर उजाला के द्वारा, और उस न्यूज़ में आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला के द्वारा MTS की भर्ती की न्यूज़ निकाली गई थी। इसमें अमर उजाला न्यूज़ में बताया गया है कि अभी तक डेट जारी क्यों नहीं हुई, इसका कारण भी बताया गया है। इसका कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है SSC CGL और CHL 2017 की परीक्षाएं लंबित होने के चलते भी नई परीक्षाओं के कार्यक्रम में घोषणा की अधर लटकी हुई है। यानी अभी तक जो डेट है एग्जामिनेशन की वो घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि जो CGL और SSC CGL और CHL की जो 2017 की भर्ती थी वह लंबित हो चुकी है और इस कारण नई डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है। लगभग इसका अनुमान है कि 2019 में ही इसका एग्ज़ाम होगा और जनवरी फरवरी तक होगा लगभग कह सकते हैं, लेकिन
जैसे एसएससी की हो वेबसाइट पर इसकी सूचना आएगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सरकारी नौकरी से संबंधित सही सही अपडेट मिल सके। और धन्यवाद दोस्तों।